हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सीआरटी टीवी के पावर सप्लाई सेक्शन के सारे वोल्टेज की पूरी डिटेल्स। इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी, एक एक वोल्टेज की पूरी डिटेल्स, कहाँ पर कितने वोल्टेज आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हो, ये है एक सीआरटी टीवी का किट और ये जो आप देख रहे हो सेक्शन, ये जो सारे कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, ये है पावर सप्लाई का सेक्शन। इस वीडियो में हम इस पावर सप्लाई सेक्शन के सारे वोल्टेज की डिटेल्स आपको बताएंगे और ये है ट्रांजिस्टर बेस्ड एसएमपीएस पावर सप्लाई और इसमें एसटीआर बेस्ड पावर सप्लाई भी आता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांजिस्टर वाला एसएमपीएस पावर सप्लाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम इस किट को पलटा देते हैं और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो दोस्तों, ये है पावर सप्लाई और इस पावर सप्लाई में दोस्तों दो प्रकार के यहाँ पे सेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्शन और एक होता है सेकेंडरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन के लिए यहाँ पे दोस्तों मार्किंग दिया गया है, यहाँ पे इसका ग्राउंड अलग होता है, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग दिया है। तो इसके अंदर में हमें जो भी वोल्टेज चेक करने हैं वो फिल्टर कैपेसिटर के माइनस पॉइंट से करना है और इसके बाहर जो भी वोल्टेज चेक करने हैं उसके लिए यहाँ पे जो माइनस पॉइंट है, कहीं भी यहाँ पे आप माइनस पॉइंट जो अर्थिंग है, ग्राउंड है, वहाँ से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों, पावर सप्लाई सेक्शन को टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंडरी साइड के जितने भी आउटपुट वोल्टेज हैं, पावर सप्लाई से जो भी आउटपुट वोल्टेज हो रहे हैं, वहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करने हैं। अगर वोल्टेज सही हैं तो हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर प्राइमरी सेक्शन सही रहेगा तभी तो सेकेंडरी सेक्शन में बिल्कुल सही वोल्टेज आएंगे। दोस्तों, अगर हमें प्राइमरी सेक्शन के अंदर डीसी वोल्टेज चेक करना है तो हमें यहाँ जो ग्राउंड है, फ्लोटिंग ग्राउंड, इसके अंदर जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है, यहाँ से करना है वोल्टेज चेक करना है। और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज चेक करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो ग्राउंड का पॉइंट दिया है, यहाँ से करना है या इससे जो भी जुड़ा हुआ ग्राउंड पॉइंट है वहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 110 वोल्ट आ रहे हैं, ये ईएसटी सेक्शन को जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है, ये वर्टिकल आईसी को जाता है और वर्टिकल आईसी के बाद ये एक रजिस्टर लग के ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे लगभग 13-14 वोल्ट जाता है, वो भी पहुंच रहा है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 10 से 12 वोल्टेज सप्लाई मिलना चाहिए। अगर ये सप्लाई नहीं मिलेगा तो हमारा मेन आईसी और मेमोरी आईसी, आईआर सेंसर और 5 वोल्ट रेगुलेटर, 8 वोल्ट रेगुलेटर या 9 वोल्ट रेगुलेटर कोई भी काम नहीं करेगा अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि इसी सप्लाई से मेमोरी आईसी और मेन आईसी को सप्लाई दिया जाता है। अगर ये सप्लाई नहीं बनेगा तो टीवी स्टैंड बाई में ही रहेगा, टीवी ऑन नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों, साउंड आईसी सेक्शन के लिए 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलना चाहिए और ये सप्लाई मिल रहा है और साउंड आईसी पे भी पहुँच रहा है। तो ये सारे वोल्टेज दोस्तों हमें अगर सही मिलते हैं तो हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें शॉर्टिंग के लिए टेस्ट करना है। यहाँ पर अक्सर हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, उसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। तो ये जो डायोड लगे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें शॉर्टिंग चेक करना है और ईएसटी को जो सप्लाई जा रहा है 110 वोल्ट, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको हमें ओपन कर देना है। उसके बाद वोल्टेज हमें चेक करके देखना है। उसके बाद दोस्तों, हमें इन सभी डायोड्स और कैपेसिटर के शॉर्ट होने के लिए यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कैपेसिटर पे। दोस्तों, आप बज़र की रेंज पे आप मल्टीमीटर को सेट कर देंगे और टीवी को आप ऑफ कर देंगे और उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पे कैपेसिटर के प्लस और माइनस दोनों सिरे पे मल्टीमीटर के प्रॉप को बारी बारी से पलटा के आपको चेक करना है। एक तरफ से दोस्तों कुछ रीडिंग आएगा और उसके बाद मल्टीमीटर के प्रॉप को पलटाएँगे तो इस तरह से ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से दोस्तों सेम रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। अगर दोनों तरफ से सेम रीडिंग दिखा रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है
और यहाँ पे आपको डायोड को भी शॉर्ट के लिए चेक कर लेना है। एक साइड से आपको रीडिंग दिखाएगा और मल्टीमीटर की वायर को आपस में पलट के चेक करने पर यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए। अगर दोनों तरफ से बीप या बजर बजे मल्टीमीटर में या सेम रीडिंग दिखाए दोनों तरफ से, तो वो डायोड शॉर्ट होगा, उसको आपको चेंज करना है। अगर यहाँ पे दोस्तों शॉर्टिंग भी आपने चेक कर लिया, आउटपुट के जो सप्लाई जा रहा है उसको भी आपने निकाल के चेक कर लिया, फिर भी अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको पावर सप्लाई के अंदर आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन में आपको टेस्टिंग करने के लिए आपको टीवी को ऑन करना पड़ेगा और उसके बाद मल्टीमीटर को आपको एसी 600 वोल्ट की रेंज पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो एसी इनपुट सप्लाई आ रहा है, जो मेन लीड के ज़रिए यहाँ पे एसी वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे आपको 220 से 230 वोल्ट एसी चेक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है और फ्यूज़ के आगे आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फ्यूज़ उड़ा होगा। और यहाँ पे एक कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा होता है और उसके बाद यहाँ पे लाइन फिल्टर लगा रहता है। ये कैपेसिटर, रेजिस्टर्स और ये लाइन फिल्टर वोल्टेज, एसी वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन आता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है लाइन फिल्टर के आगे, तो यहाँ पे सप्लाई मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो लाइन फिल्टर ख़राब है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीटीसी लगा रहता है, पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दोस्तों पीटीसी एक रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर मिलने पर यानी कि गर्म होने पर वो अपना मान बढ़ा देता है। नॉर्मल पोजिशन में दोस्तों ये 15 से 20 ओम्स का इसका रीडिंग दिखाता है। जब ये गर्म होता है तो इसका वैल्यू लगभग 1 मेगा ओम से भी पार पहुंच जाता है, यानी कि गर्म होने के बाद इससे कोई भी वोल्टेज आगे पास नहीं हो पाता है। पीटीसी के ज़रिए डिगॉजिंग कॉइल, जो कि पिक्चर ट्यूब पे एक कॉइल लगा रहता है, उसमें ये वोल्टेज पहुंचाता है। कुछ सेकंड के बाद दोस्तों ये गर्म होके इसका मान बढ़ जाता है और पिक्चर ट्यूब में वोल्टेज जाना बंद हो जाता है। तो इस दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है पिक्चर ट्यूब में डिगॉजिंग कॉइल के ज़रिए, इस मैग्नेटिक फील्ड से पिक्चर ट्यूब में जो अगर कलर पैच पड़े हों या कोई भी अगर बाहरी स्पीकर या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इसके पिक्चर ट्यूब पे उसके कलर में डिस्टर्बेंस आ गया हो, उसको ऑटोमेटिक तरीके से ये रिमूव कर देता है जब हम टीवी को ऑन करते हैं। पीटीसी का इतना ही काम होता है, कुछ देर में ये गर्म होके हाई टेम्परेचर में ये दोस्तों अपना मान को बढ़ा देता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक एनटीसी लगा होता है। दोस्तों एनटीसी भी एक रेजिस्टेंस होता है, पीटीसी के जस्ट ये उल्टा काम करता है। एनटीसी का फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दोस्तों एनटीसी में जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है एनटीसी का, तो ये अपना मान को कम कर देता है। अगर एसी लाइन में कोई भी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में कोई फ्लक्चुएशन हो, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे के सर्किट को सुरक्षित कर देता है। यानी कि एनटीसी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एनटीसी नहीं लगा हो तो उसके आगे जो डायोड लगे होते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और बार बार डायोड उड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। यहाँ तक वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ से एक एनटीसी लगा हुआ है, तो एनटीसी लगा रहता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों आपको नहीं मिल रहा है तो एनटीसी ख़राब होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एसी वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे डायोड के दोनों पॉइंट पे आपको एसी 230 वोल्ट आपको मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से एसी वोल्टेज को ये डायोड, जो रेक्टिफायर डायोड है, वो डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके बाद दोस्तों आपको एसी वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपको एसी वोल्टेज मिलेगा। तो ये भाग जो है वो ग्राउंड है, डीसी का माइनस पॉइंट है, और ये वाला भाग आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ वोल्टेज चेक करने के लिए डीसी 600 वोल्ट की रेंज पे चेक करना है और यहाँ पे 300 वोल्ट के करीब आपको मिलेगा, यहाँ पे 300 वोल्ट से ज़्यादा ही मिलेगा। तो यहाँ पे 300 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई मिलना ही चाहिए। अगर यहाँ पे दोस्तों अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं या 230 वोल्ट एसी आ रहे हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा यानी कि अधिक वोल्टेज यहाँ पे कैपेसिटर पे मिलना चाहिए। अगर कैपेसिटर पे 200 एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये जो डायोड और कैपेसिटर ख़राब होंगे। और इसके बाद दोस्तों 300 वोल्ट डीसी आपको एसएमपीएस ट्रांसफार्मर में चलाया जाएगा। ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे लगा रहता है, तो उस प्राइमरी सेक्शन में, और उसके बाद इस तरफ जो जो वाइंडिंग है वो सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है।
तो यहाँ से दोस्तों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर, वो 1802 लगा रहता है या और भी नंबर के लगे रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये ट्रांजिस्टर अगर स्विचिंग कर रहा है, ऑन है, पावर सप्लाई बन रहा है, तो यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट इसका ग्राउंड रहता है और एक जो बेस है दोस्तों, बेस पे यहाँ पे आपको अगर टीवी ऑन है तो वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 120K और 120K का दो रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है सीरीज़ में, तो यहाँ पे आपको 150 वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे लगभग 12 वोल्ट मिलेगा जब टीवी ऑन कंडीशन में रहेगा तब, तो यहाँ पे लगभग 5 वोल्ट मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे लोड ज़्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज कम मिलता है। और ये है ऑटो कपलर और यहाँ पे दोस्तों ये ग्राउंड रहता है, और किसी किसी में ये डायरेक्ट ग्राउंड रहता है, किसी में ये कंपोनेंट्स के ज़रिए ग्राउंड रहता है। तो ये है ऑटो कपलर और ये है यहाँ पे ट्रांजिस्टर। तो इस ट्रांजिस्टर से दोस्तों स्विचिंग ट्रांजिस्टर के बेस के लिए वोल्टेज मिलते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर को कितना वोल्टेज जनरेट करना है, कितना जल्दी इसको स्विचिंग करना है। तो ये जो दोस्तों ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा रहता है, फिर यहाँ से स्विचिंग ट्रांजिस्टर के बेस में पहुँचता है सिग्नल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसी 3 से 4 वोल्ट आपको मिलेगा इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से, और फिर यहाँ से दोस्तों एक डायोड लग के यहाँ पे डीसी में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज आपको 7 से 8 वोल्ट देखने को मिलेगा, जब पावर सप्लाई ओके रहेगा तब यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये जो भी जितने भी वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर के हैं और यहाँ पे एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पे, तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों, अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तब यहाँ पे इतना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो इसके वोल्टेज अलग होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे पावर सप्लाई अगर सही काम नहीं कर रहा हो तो पावर सप्लाई में कहां कहां पर कितने वोल्टेज आएंगे, और पावर सप्लाई के फीडबैक सर्किट, रेगुलेटर सर्किट के वोल्टेज की डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो में आपने देखा जब पावर सप्लाई सही काम कर रहा हो, एकदम ओके हो, तब उसके वोल्टेज कितने कितने वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत सारी सीक्रेट डिटेल्स, सीक्रेट वोल्टेज डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।